और इस बीच एक बड़ी खबर है चीन को लेकर। चीन की बड़ी सैन्य स्ट्रेटजी का खुलासा हुआ है। बुलेट ट्रेन से मिसाइल हमले का ड्रिल करेगा चीन और 1000 न्यूक्लियर मिसाइल तैनात कर सकता है चीन, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। तो चीन को लेकर के बड़ी जानकारी मिल रही है कि चीन अब एक बड़ी सैन्य स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है। ये बड़ी सैन्य स्ट्रेटजी बहुत अहम है। बुलेट ट्रेन से मिसाइल हमले का ड्रिल करने जा रहा है ड्रैगन। चीन अपनी सेना की ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है। रक्षा जानकारों के मुताबिक चीन बुलेट ट्रेन या हाई स्पीड ट्रेन का इस्तेमाल न्यूक्लियर मिसाइलों को ले जाने के लिए भी करने की तैयारी कर रहा है। चीन अपने 23,000 मील लंबे हाई स्पीड ट्रैक का इस्तेमाल न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चर की तरह करना चाहता है। चीन के डूम्सडे ट्रेनों पर 1000 न्यूक्लियर मिसाइल तैनात किए जा सकते हैं, जिनके रेंज में अमेरिका और यूरोपीय शहर भी होंगे। ताइवान पर हमले की साजिश रच रहा चीन अपनी सेना पीएलए को लगातार सैन्य अभ्यास के जरिए तैयार कर रहा है। चीन पर नजर रखने वाले ताइवानी डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि इस साल के अंत तक पीएलए पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास कर सकता है। प्रशांत क्षेत्र के किनारे बसे सोलोमन द्वीप समेत कई छोटे छोटे देशों के साथ सुरक्षा समझौता अभियान को लेकर चीन और ऑस्ट्रेलिया में तनातनी बढ़ गई है। चीन ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया की एक राजनीतिक ताकत दोनों देशों के बीच संबंधों के बिगड़ने के लिए जिम्मेदार है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि संबंधों को पटरी पर फिर लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार को ऐसे अभियान चलाने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। और उधर चीन के अटैक पर ताइवान का बड़ा दावा सामने आया है। उसने कहा है कि 2027 तक ताइवान पर हमला होगा और वो इसलिए, इसके पीछे का तर्क यह है कि 2027 में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ है। 100वीं वर्षगांठ, इसलिए 2027 तक ताइवान पर हमला कर सकता है चीन, ये तर्क दिए गए। चीन के हमले की आशंका के बीच ताइवान ने खुद अपनी बर्बादी की भविष्यवाणी कर दी है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की पीएलए 2027 तक ताइवान और सहयोगी देशों की सेना के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी सक्षम हो सकती है। ये पीएलए की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ होगी। रिपोर्ट के मुताबिक चीन अपनी युद्ध क्षमताओं को और ज्यादा आधुनिक और मजबूत करने में जुटा है। वह 2027 तक ताइवान के खिलाफ और ज्यादा आक्रामक हो सकता है। हालांकि ताइवान के रक्षा मंत्रालय की ये रिपोर्ट चीनी सेना के तैयारियों का एक अनुमान है, इसमें आक्रमण की कोई भविष्यवाणी नहीं है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बीजिंग ने ताइवान के साथ शांतिपूर्ण एकीकरण का प्रयास छोड़ दिया है। वह लगातार युद्धाभ्यास के जरिए ताइवान पर कब्जे की साजिश रच रहा है। चीन पर नजर रखने वाले ताइवानी डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि इस साल के अंत तक पीएलए पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास कर सकता है। पीएलए का फोकस समंदर में इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य शक्ति के साथ जवानों को जंग के हालात के लिए तैयार करना है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।